हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली अगर एक सेशन में अगर आप एक से अधिक डिग्री लिए हैं तो उसको आप कोई अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं कंपटीशन का, तो उसमें आप कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आज के इस वीडियो में यही सारे डिटेल्स बताएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो एक्चुअली आप एक एग्जाम्पल के तरीके से बताते हैं आपको। जैसे 2019 से लेकर 2022 के बीच में आप ग्रेजुएशन का भी डिग्री लिए हैं, और 2019 से 2022 के बीच में जो है आप ITI भी किए हैं। तो आपको कोई अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे आप असिस्टेंट लोगो पायलट का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपको ITI का डिग्री का रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करें, जब आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो सिर्फ उसमें क्या है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में ITI का जो आप डिग्री जो आपके पास है उसी का जिक्र करें, और उसी का डिटेल्स जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरें, और ग्रेजुएशन जो आप किए हैं उसी सेशन में उसके बारे में कोई डिटेल्स आप ना दें। उसी प्रकार अगर कोई आदमी अगर स्टेशन मास्टर का फॉर्म फिलअप करना चाहता है और ITI और ग्रेजुएशन का जो उनका जो सेशन है सेम है, तो आप क्या करें, ITI का डिग्री जो लिए हैं आप उसके बारे में कोई डिटेल्स जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भरें। सिर्फ आप ग्रेजुएशन का जो आपका सेशन है सिर्फ वहीं भरें। सिर्फ एक डिग्री का आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जिक्र करना है जिसका आपका जरूरत है। दोनों करेंगे तो क्या है, जाहिर सी बात है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस दौरान आप मतलब पकड़े जाएंगे, तो आपको क्या है मे बी वो छांट भी सकता है। तो इसीलिए क्या है, आप जिस डिग्री का आपका रिक्वायरमेंट है जिस एप्लीकेशन फॉर्म में, सिर्फ उसी के बारे में डिटेल्स भरें। यही उसका एक सिंपल सा तरीका है। अगर दोनों डिग्री आप एक एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भर देंगे तो जाहिर सी बात है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो दोनों जब डिग्री आप दिखाएंगे तो सेशन मैच कर जाएगा, तो ऐसे केसेस में आपको छाँट दिया जाता है। ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी था, आशा करते हैं कि आपको ये जो बताए आपको सेम सेशन में जो है किसी एक डिग्री को आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरना है समझ में आया होगा। धन्यवाद।